हेलो जी। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए टर्म इंश्योरेंस प्लान्स कंपैरिजन। तो मैंने ये बहुत सारे डेटा पॉइंट्स पे कंपेयर करा है, कंपनी कब इंसेप्शन हुई थी, कंपनी की वैल्यूएशन क्या है, कितने डेथ क्लेम्स पे कर चुके हैं, क्या क्लेम सेटलमेंट रेशियो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको IRDA की रिपोर्ट में मिलती है। तो मैंने आपके लिए वही सिंप्लीफाई करके टैबुलर फॉर्म में बनाया है, सो दैट आप डिसाइड कर पाए कि आपको कौन सी टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। तो ये वीडियो कंपैरिजन है 5 कंपनीज के बीच में। वन इज LIC, ICICI प्रू लाइफ, HDFC लाइफ, मैक्स लाइफ एंड टाटा AIA। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें एंड आई एम श्योर इट विल रियली हेल्प यू कि कैसे आप अपना टर्म इंश्योरेंस प्लान डिसाइड कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौचिक, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ लास्ट 17 ईयर से एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ और इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहले हम बात करेंगे कौन कौन से प्लान हमने पिक करे हैं कंपेरिजन के लिए। LIC का पिक करा LIC जीवन अमर, ICICI प्रोडेंशियल लाइफ का पिक करा आई प्रोटेक्ट स्मार्ट, मैक्स लाइफ का पिक करा स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान, HDFC लाइफ का पिक करा क्लिक टू प्रोटेक्ट लाइफ, टाटा AIA लाइफ का संपूर्ण रक्षा प्लान। प्लान के बारे में शुरू करने से पहले, प्लान के कंपैरिजन शुरू करने से पहले मैं आपको कंपनी का बैकग्राउंड बताना चाहूंगी। पहला, इंसेप्शन कब हुई थी, कंपनी स्टार्ट कब हुई थी। LIC स्टार्ट हुई थी 1956 में, ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है लाइफ इंश्योरेंस में बात करेंगे तो। ICICI प्रोडेंशियल लाइफ वॉज इंसेप्टेड इन 2001, मैक्स लाइफ 2000, HDFC लाइफ 2000 और टाटा AIA लाइफ भी 2000 में इंसेप्शन हुआ था। क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करेंगे, अगेन ये डेटा IRDA की वेबसाइट से पिक्ड है और 2020-21 का डेटा है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो LIC का है 98.62%, ICICI प्रोडेंशियल लाइफ का है 97.90%, मैक्स लाइफ का 99.36%, HDFC लाइफ का 98.01%, टाटा AIA का 98.02%। नेक्स्ट है सॉल्वेंसी रेशियो, कि इन कंपनीज की सॉल्वेंसी रेशियो क्या है। सॉल्वेंसी रेशियो बेसिकली होता है कि कंपनी की एबिलिटी की फ्यूचर के जो डेट और ऑब्लिगेशंस है वो पे कितनी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो ये रेशियो अगर 20% से नीचे है तो इट्स अ गुड रेशियो। तो ये कंपनीज की रेशियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। LIC ऑफ इंडिया की है 1.76%, ICICI प्रोडेंशियल लाइफ की 2.17%, मैक्स लाइफ की 2.02%, HDFC लाइफ की 2.01% एंड टाटा AIA की 2.04%। ये है 2021 का डेटा। प्रीमियम अंडर रिटर्न, मतलब कितना प्रीमियम इन कंपनीज ने अंडर राइट किया। LIC का 4,03,000 करोड़, ICICI प्रोडेंशियल लाइफ 35,000 करोड़, मैक्स लाइफ का 19,000 करोड़, HDFC लाइफ अगेन 35,000 करोड़, टाटा AIA लाइफ 11,000 करोड़। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, मतलब टोटल कितने एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है इन कंपनीज के। LIC का है 24,60,827 करोड़, ICICI प्रोडेंशियल लाइफ 61,729 करोड़, मैक्स लाइफ का 59,192 करोड़, HDFC लाइफ का 58,506 करोड़, टाटा AIA लाइफ का 26,936 करोड़। नंबर ऑफ डेथ क्लेम्स पेड की बात करेंगे, कितने डेथ क्लेम्स पे किए गए। LIC ने 9,33,889 डेथ क्लेम्स पे किए हैं, ICICI प्रोडेंशियल 14,518, मैक्स लाइफ 19,922, HDFC Life 16,639 एंड टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस 4,556। इसमें से हम बात करेंगे कि कितना अमाउंट पे किया गया। जैसे अगर LIC में 18,295 करोड़, ICICI प्रोडेंशियल ने 1,504 करोड़ पे किया गया है, मैक्स लाइफ ने 885 करोड़ पे किया है, HDFC लाइफ में 1,037 करोड़ एंड टाटा AIA लाइफ 478 करोड़। तो ये तो हो गया कंपैरिजन डेटाबेस पे कि क्या कब से कंपनी स्टार्ट हुई है, क्या वैल्यूएशन है, क्या क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, क्या सॉल्वेंसी रेशियो है, इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे इन प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन जो मैंने अभी बात करी आपसे। तो LIC में जो जीवन अमर है उसमें सम एश्योर्ड मिनिमम है 25 लाख, तो मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम डिपेंड करता है आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी पे, आप कितने तक का भी सम एश्योर्ड ले सकते हैं। अगेन कॉर्पोरेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपको कितना सम एश्योर्ड ऑफर कर सकते हैं आपकी फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी के हिसाब से। ICICI प्रोडेंशियल लाइफ में मिनिमम सम एश्योर्ड 50 लाख है, मैक्स लाइफ में मिनिमम सम एश्योर्ड 25 लाख है, HDFC में मिनिमम सम एश्योर्ड 50 लाख है और टाटा AIA में भी 50 लाख है। सम एश्योर्ड ऑप्शंस, सम एश्योर्ड ऑप्शंस होता है कि आपके पास ऑप्शन है कि आप चूज करें कि सेम सम एश्योर्ड चाहेंगे थ्रू आउट द ईयर या आप चाहेंगे कि आपका सम एश्योर्ड बढ़ता रहे। तो आपके पास LIC में ऑप्शन है लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, तो दोनों में से कुछ भी चूज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये सम एश्योर्ड ऑप्शन आपको पहले ही पॉलिसी लेते टाइम ही डिसाइड करना पड़ेगा, बीच में आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपका सेम सम एश्योर्ड रहे थ्रू आउट द ईयर, दैट इज 25 लाख या 50 लाख, जो भी आप सम एश्योर्ड ले रहे हैं आप चाहते हैं वो हर साल बढ़ता रहे 10% से, तो वो भी ऑप्शन है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ के आई प्रोटेक्ट स्मार्ट में सिर्फ लेवल सम एश्योर्ड अवेलेबल है, मतलब जो सम एश्योर्ड आपने चूज कर लिया वही आगे चलता जाएगा।
मैक्स लाइफ में लेवल सम इंश्योर्ड भी है, इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड का ऑप्शन भी है. एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस में ओनली लेवल सम इंश्योर्ड इज अवेलेबल. टाटा एआई लाइफ में लेवल सम इंश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड का ऑप्शन भी है, जैसे एनहांस सम इंश्योर्ड का ऑप्शन है इसमें, तो वो चूज कर सकते हैं, वो इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड ही है. पॉलिसी टर्म की बात करेंगे, मिनिमम पॉलिसी टर्म एलआईसी में है 10 इयर्स, मैक्सिमम 40 इयर्स. मिनिमम पॉलिसी टर्म आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ आई प्रोटेक्ट स्मार्ट में है मिनिमम 5 इयर्स, मैक्सिमम 40 इयर्स. मैक्स लाइफ इंश्योरेंस स्मार्ट सिक्योर प्लस प्लान में मिनिमम टर्म है 10 इयर्स, मैक्सिमम 67 इयर्स. क्लिक टू प्रोटेक्ट लाइफ में मिनिमम टर्म है 5 इयर्स, मैक्सिमम 40 इयर्स. तो इन कंपनीज में ना होल लाइफ का ऑप्शन भी है, अपार्ट फ्रॉम एलआईसी आपको बाकी कंपनीज में होल लाइफ ऑप्शन भी दिया जाएगा. टाटा एआई में भी मिनिमम 10 इयर्स एंड मैक्सिमम 67 इयर्स और होल लाइफ ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल. मतलब आप चाहें तो 100 इयर्स तक भी आप अपने आप को कवर कर सकते हैं इन पॉलिसीज के थ्रू. प्रीमियम ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा, क्योंकि सिंपल आप बात समझें कि ये प्रोबेबिलिटी पे काम करता है टर्म इंश्योरेंस. जितना आप ज्यादा नंबर ऑफ इयर्स के लिए लेंगे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि क्लेम पे होगा, जितना कम टाइम के लिए उतना प्रोबेबिलिटी कम है कि क्लेम पे होगा एज पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. अब बात करेंगे, एक तो पॉलिसी टर्म हो गया कि आपने एक पॉलिसी का टर्म ले लिया, कितने टाइम तक आप कवर चाहते हैं. दूसरा ऑप्शन आपको दिया जाता है, आप कितने साल के लिए प्रीमियम पे करना चाहते हैं. पहला ऑप्शन ऑफ कोर्स सब में आपको मिलेगा रेगुलर पे, मतलब आप जितने साल की पॉलिसी ले रहे हैं उतने साल तक ही पे करें. दूसरा ऑप्शन है लिमिटेड पे, तो लिमिटेड पे भी आपको सब कंपनीज में मिलेगा कि आप लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए प्रीमियम पे करें. मतलब आप चाहते हैं, लेट्स से आप कवरेज चाहते हैं 60-65 तक, बट आप पे करना नहीं चाहते इतने टाइम तक, आप लिमिटेड टाइम तक पे करना चाहते हैं सो दैट यू डोंट वांट टू कैरी फॉरवर्ड दी लायबिलिटी. तो आप मिनिमम उसमें लिमिटेड जो भी ऑप्शन अवेलेबल है आपकी पॉलिसी में आप चेक करके अवेल कर सकते हैं. जैसे एलआईसी में लिमिटेड है कि आप जो भी पॉलिसी टर्म है उसे 5 साल या 10 साल कम का टर्म भी ले सकते हैं प्रीमियम पेमेंट के लिए. और सिंगल ऑप्शन भी अवेलेबल है कि वन टाइम आपने पे कर दिया, आप आगे का झंझट चाहते ही नहीं, आपने कहा एक बार ले लो और लाइफ कवर कर दो मेरी, तो वन टाइम ऑप्शन भी अवेलेबल है. सिमिलरली आईसीआईसी प्रू लाइफ में भी रेगुलर, लिमिटेड और सिंगल ऑप्शन अवेलेबल है. एक्स लाइफ में भी रेगुलर, लिमिटेड, सिंगल. एचडीएफसी में भी और टाटा एआई लाइफ में भी. मिनिमम और मैक्सिमम एज, मतलब इस पॉलिसी में एंटर करने के लिए मिनिमम एज सब में 18 इयर्स चाहिए है. मैक्सिमम एज 65 इयर्स इन एलआईसी, 65 इन आईसीआईसीआई. मैक्स लाइफ में भी 65, एचडीएफसी में भी 65, टाटा एआई में 70 इयर्स तक भी आप एंटर कर सकते हैं पॉलिसी में. प्रीमियम पेमेंट मोड, मतलब आपने पॉलिसी ले ली, आप किस तरीके से प्रीमियम पे करना चाहेंगे इंश्योरेंस कंपनी को. तो ऑप्शंस अलग अलग है, जैसे ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली. एलआईसी में ऑप्शन अवेलेबल है जीवन अमर प्लान में ईयरली और हाफ ईयरली. आईसीआईसी प्रूडेंशियल में अवेलेबल है ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली. मैक्स लाइफ में अवेलेबल है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली. एचडीएफसी में भी अवेलेबल है ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली. और टाटा एआई लाइफ में ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली. अब हम बात करेंगे कि इन पॉलिसीज में क्या क्या इन बिल्ड बेनिफिट्स, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा. एलआईसी जीवन अमर में आपको सिर्फ डेथ बेनिफिट दिया जाएगा, मतलब जितने का सम इंश्योर्ड आपने लिया, अगर पॉलिसी टर्म के ड्यूरेशन में डेथ हो जाती है तो डेथ बेनिफिट दे दिया जाएगा, सम इंश्योर्ड पे कर दिया जाएगा. आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ में 3 बेनिफिट्स है, एक तो डेथ बेनिफिट है ही, उसके ऊपर वेवर ऑफ प्रीमियम एंड अर्ली पे आउट ऑन टर्मिनल इलनेस. सो टर्मिनल इलनेस होता है ऐसी बीमारी जिसमें डॉक्टर एक टाइम फ्रेम दे देते हैं, यू नो पॉलिसी होल्डर विल बी अलाइव फॉर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स, मतलब बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है, तो उस केस में प्रीमियम भी वेव ऑफ हो जाता है, आगे का जो प्रीमियम है वो नहीं पे करना, प्लस अर्ली पे आउट भी हो जाता है, समय शॉर्ट भी दे दिया जाता है. थर्ड ऑप्शन है वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी, किसी को परमानेंट डिसेबिलिटी होगी उस केस में भी प्रीमियम आगे का नहीं भरना, समय शॉर्ट कवर चलता रहेगा. मैक्स लाइफ में डेथ बेनिफिट अवेलेबल है प्लस अर्ली पे आउट ऑन टर्मिनल इलनेस, वही जैसे मैंने आपको बताया जो आईसीआईसी में सेम यहाँ पे भी वही है. एचडीएफसी लाइफ में डेथ बेनिफिट अवेलेबल है और एक ऑप्शन है जिसमें आप पीपीटी रेगुलर टू लिमिटेड कर सकते हैं. मान लीजिए आपने प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो रेगुलर प्रीमियम पेइंग टर्म ली, मतलब 60 इयर्स तक पॉलिसी ली, आपने बोला मैं 60 इयर्स तक ही प्रीमियम पे करूंगा, आप बीच में आपको लगता है कि नहीं मुझे लिमिटेड लेना है, मुझे इतने लंबे टाइम तक प्रीमियम नहीं पे करना, तो आप कंपनी को रिक्वेस्ट देके लिमिटेड में कन्वर्ट करा सकते हैं. टाटा ये लाइफ में डेथ बेनिफिट है प्लस अर्ली पे आउट ऑन टर्मिनल इलनेस विच इज 50%. ऑप्शनल राइडर्स अवेलेबल, तो ऑप्शनल राइडर्स जो अवेलेबल है वो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है एलआईसी में जो आप ऐड कर सकते हैं एडिशनल प्रीमियम देके. तो ये राइडर है जो आपके पास ऑप्शन है कि आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट ऐड कर सकते हैं. ऑप्शनल राइडर्स जो आईसीआईसी प्रू लाइफ में अवेलेबल है वो है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट प्लस क्रिटिकल इलनेस, मतलब अगर कोई क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज होगी तो भी लमसम दे दिया जाएगा इक्वल टू क्रिटिकल इलनेस सम इंश्योर्ड. यहाँ पे 34 लिस्टेड क्रिटिकल इलनेसेस कवर्ड है. तो ये एडिशनल प्रीमियम देके आप ये राइडर्स चूज कर सकते हैं. एक्स लाइफ में राइडर अवेलेबल है एक्सीडेंटल बेनिफिट, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट, दो ऑप्शंस हैं 64 और 40 क्रिटिकल इलनेसेस का, तो आप चूज कर सकते हैं. वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस, अगर क्रिटिकल इलनेस डायग्नोज हुआ तो वेवर ऑफ प्रीमियम हो जाएगा. एंड रिटर्न ऑफ प्रीमियम का भी ऑप्शन है, आप चाहते हैं कि कल को आपका पैसा रिटर्न कर दिया जाए तो वो भी ऑप्शन आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं एज अ राइडर. एचडीएफसी लाइफ में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं राइडर.
क्रिटिकल इलनेस राइडर चूज कर सकते हैं, 19 लिस्टेड क्रिटिकल इलनेसेस हैं, वेवर ऑफ प्रीमियम ऑन क्रिटिकल इलनेस चूज कर सकते हैं और रिटर्न ऑफ प्रीमियम भी चूज कर सकते हैं। अतः ये संपूर्ण रक्षा में आप एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी ऐड कर सकते हैं प्लस क्रिटिकल इलनेस राइडर ऐड कर सकते हैं जिसमें 40 लिस्टेड क्रिटिकल इलनेसेस है। अब बात करेंगे डेथ बेनिफिट पे आउट ऑप्शन की कि डेथ बेनिफिट कैसे दिया जाएगा बेनिफिशियरी को। टर्म इंश्योरेंस में आपको पता है कि एक डेथ बेनिफिट होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कैसे पे आउट किया जाएगा, लमसम में दिया जाएगा या इनकम के फॉर्म में दिया जाएगा। LIC में ऑप्शन है लमसम की, ICICI में ऑप्शन है लमसम इनकम इंक्रीजिंग इनकम लमसम एंड इनकम। मतलब अगर आपको लगता है कि आपके जो बेनिफिशियरी हैं दे आर नॉट केपेबल इनफ टू हैंडल दी लमसम अमाउंट, मतलब अगर उस टाइम पे डेथ होती है और एक लमसम अमाउंट मिलता है तो आपको लगता है कि शायद आपकी बेनिफिशियरी केपेबल नहीं है कि वो लमसम अमाउंट कैसे हैंडल करेंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए आ रहा है तो उसको कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ लगाएंगे। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है, आप इनकम ऑप्शन ले लीजिए कि उनको ईयर ऑन ईयर कुछ अमाउंट मिलता रहेगा, इंक्रीजिंग इनकम, आप चाहते हैं परसेंटेज इंक्रीज होकर आए, आप चाहते हैं कुछ पैसा लमसम मिल जाए और कुछ इनकम के फॉर्म में मिल जाए। तो सारे ऑप्शंस ना आपको पॉलिसी लेते टाइम ही डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए अपने बेनिफिशियरी के लिए। एक्स लाइफ में लमसम और लमसम एंड इनकम बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल, HDFC में भी लमसम और इनकम अवेलेबल है, टाटा AIA लाइफ में लमसम लमसम एंड इनकम एंड एनहांस्ड सम एश्योर्ड का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप चाहते हैं एनहांस्ड सम एश्योर्ड मिले तो वो भी ऑप्शन है। यहाँ बात करेंगे प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप की, तो प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप सारी पॉलिसीज में मैंडेटरी है, आपका पूरा हेल्थ चेकअप किया जाएगा उसके बेसिस पे ही आपको पॉलिसी दी जाएगी। दो तरह की आपकी अंडरराइटिंग होती है, एक तो होती है मेडिकल अंडरराइटिंग, एक होती है फाइनेंशियल अंडरराइटिंग, मतलब आपकी इनकम प्रूफ्स वगैरह देख के भी आपको दिया जाएगा कितना सम एश्योर्ड आप ले सकते हैं। दूसरा मेडिकली आप कितने फिट हैं कि आप टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं कि नहीं। अब लास्ट में मैं आपके साथ प्रीमियम शेयर करना चाहूंगी सो दैट यू हैव एन आइडिया कि कौन सी प्लान का कितना प्रीमियम है और इस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। सो एज है, मैंने यहाँ पे एज ली है 35 इयर्स मेल और 1 करोड़ का सम एश्योर्ड लिया है और 30 इयर्स की पॉलिसी ली है, मतलब 65 इयर्स तक कवरेज, और प्रीमियम पेइंग टर्म भी रेगुलरली है। अब आपको पता है रेगुलर क्या है कि 30 इयर्स की पॉलिसी और 30 इयर्स ही प्रीमियम देना है, तो 1 करोड़ का कवर, 35 इयर्स एज मेल एंड 30 इयर्स पॉलिसी टर्म एंड प्रीमियम पेइंग टर्म। प्रीमियम आएगा LIC जीवन अमर का है 23972, दिस इज ईयरली प्रीमियम इंक्लूडिंग टैक्सेस। ICICI प्रो लाइफ का प्रीमियम है स्मार्ट आई प्रोटेक्ट स्मार्ट का 18627, 18000 रुपए। मैक्स लाइफ का प्रीमियम है 16971, 16971। HDFC लाइफ का प्रीमियम है 19344, 19344। टाटा AIA संपूर्ण रक्षा का प्रीमियम है 17464। सो एंड में मैं यही कहना चाहूंगी कि कोई भी कंपनी ऐसा नहीं है कि आप, क्योंकि एंड में आप लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं विच इज बेस्ट, देखिए कोई बेस्ट या कोई बुरी कंपनी नहीं होती है, आप चूज कर सकते हैं कि आपकी क्या जरूरत है, आपको क्या राइडर्स चाहिए, आपको किस कंपनी के साथ कन्विक्शन आ रही है, उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं अपनी टर्म इंश्योरेंस कंपनी। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो इसमें कैप्चर करी आपके लिए मैंने सिंप्लीफाई करके IRDA रिपोर्ट से लेकर आई हूँ सो दैट आप एक वाइज डिसीजन ले पाए, बिकॉज टर्म इंश्योरेंस भी एक लॉन्ग टर्म डिसीजन है, आपने एक बार ही ले लिया तो आपकी फैमिली के लिए कभी काम आएगा और ये डिसीजन गलत नहीं होना चाहिए। कुछ भी क्वेश्चंस हो टर्म इंश्योरेंस के रिगार्डिंग आप पूछ सकते हैं, स्पेसिफिकली इन कंपनीज के रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहे वो भी पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी व्हाट्सएप नंबर नीचे अवेलेबल है। कुछ भी फीडबैक देना चाहिए प्लीज दीजिएगा। एंड क्विक रिमाइंडर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं जल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय। ग्राउंड पता हो जिसके लिए मतलब कितना प्रीमियम दोबारा बोलू 9,03,000 HDFC में